नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का अध्याय एक, ठीक है, जिसका नाम है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसमें और भी लेक्चर हो चुके हैं, इस में हम आज नया एक लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में आज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे रासायनिक संयोग के नियम। क्या देखेंगे? रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम। अब रासायनिक संयोग क्या होता है कि रासायनिक संयोग यानी किस प्रकार से जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें तत्व यौगिक किस प्रकार से भाग लेते हैं और वो किस भाग लेकर एक नया पदार्थ या नया यौगिक जो बनाते हैं वो किस प्रकार से बनता है, उसके क्या नियम होते हैं उसके बनने के। या दो, जब दो चीजें उत्पाद आपको जो दो अभिकारक मिलते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और उत्पाद किस प्रकार बनता है उसके नियम होते हैं रासायनिक संयोग के। यानी जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो किस प्रकार से ये संयोग होता है, ठीक है, उसके क्या नियम होते हैं ये हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम में, ठीक है। वो सही अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं, वो रासायनिक अभिक्रिया किन नियमों के अंतर्गत होती है, किस प्रकार उनमें क्या परिवर्तन आता है, ये सारा हम इन रासायनिक संयोग के नियम में पढ़ेंगे, ठीक है। अब रासायनिक नियम के नियम कौन कौन से होते हैं देखते हैं, हम कौन कौन से नियम है रासायनिक संयोग के नियम। अब नियम कौन कौन से है, यहाँ पर पांच नियम दे रखे हैं रासायनिक संयोजन के। पहला नियम होता है लवाजियर का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम, ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा प्रोस्ट का स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा नियम है डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम। चौथा है रिचर का व्युत्क्रम अनुपात का नियम और पांचवा है गे-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, ठीक है। ये पांच नियम होते हैं रासायनिक संयोजन के। इसके अलावा यदि हम देखें लवाजियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इस नियम के अनुसार क्या होता, इस नियम के अकॉर्डिंग जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और दो पदार्थ मिलते हैं, परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान की वृद्धि होती है और ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, एक हमने फ्लास्क ले लिया, इसके मुंह को हमने बंद कर दिया, इसमें हमने रेत ले ली, क्या ले ली, रेत सेंट, ठीक है। रेत लेने के बाद इसके अंदर फास्फोरस रखा हमने, क्या रखा, फास्फोरस, ठीक है, और फास्फोरस को हमने आग लगा दिया, क्या कर दिया, फास्फोरस लिया और फास्फोरस को आग लगा दिया। इस फ्लास्क में जितनी ऑक्सीजन उससे क्रिया करके फास्फोरस धूम्र के रूप में यानी धुएं के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जो कि क्या बनाता है, P2O5, ठीक है। यहाँ फास्फोरस रखा था, उसको जला दिया, P2O5 बचा जो धूम्र के रूप में है, धुन के रूप में है, धुएं के रूप में इसके अंदर फास्क के रहता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जब हमने पहले क्या किया, इसमें रेत ली, फास्फोरस लिया, उसका वेट कर लिया कि मान लो अपन ने इसको जलाने से पहले इसका वेट था 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम इसका वेट था, जलाया नहीं था उसके पहले, फिर उसको हमने जला दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे P2O5 बन गया। और इसको जलाने के बाद जब हमने इसका मेजरमेंट किया, इसका तोला, इसका द्रव्यमान, तो भी क्या निकला, 10 ग्राम। यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले हम तोल रहे तो भी 10 ग्राम और रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के बाद यदि तोड़ रहे तो भी 10 ग्राम निकला। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये सिद्ध हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ना तो द्रव्यमान की वृद्धि होती है और ना ही नष्ट होता है, द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है, वो किसी प्रकार से उसका हानि नहीं होती है ना ही उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। उसके अलावा लेकिन यदि हम देखें अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार, यदि रासायनिक अभिक्रिया होती तो द्रव्यमान की हानि होती है, जिससे क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में द्रव्यमान की हानि होती है, उसमें द्रव्यमान जो है वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ऊष्मा निकलती है, लेकिन ये ऊष्मा क्या होती है, नगण्य होती है,
इसलिए द्रव्यमान की हानि हमें पता नहीं चलती, इसलिए हम उसको क्या भी कह सकते हैं, अविनाशिता का सिद्धांत, यानी पदार्थ की अविनाशिता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा जो होती है वो बहुत कम मात्रा में उष्मा निकलती है, जो नगण्य होती है। ठीक है, तो उसको हम यही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। ठीक है, इसके बाद अगला नियम है प्राउस्ट का स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। प्राउस्ट का स्थिर या निश्चित अनुपात का जो नियम है, ये प्राउस्ट ने दिया था, कब दिया था ये, 1799 ईस्वी में इसको दिया था प्राउस्ट ने। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यौगिक में उपस्थित तत्व, जो यौगिक होता है उसमें उपस्थित तत्व जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, यानी यदि उनको आप समान मात्रा में एक निश्चित अनुपात में मिलाओगे तो ही यौगिक का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें H2O की, पानी की, चाहे पानी कहीं का भी हो, झील का, तालाब का, नदी का, समुद्र का, किसी भी देश से ले आओ पानी, उस पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है, 1:8, चाहे पानी कहीं का भी हो, यानी इन दोनों को इस अनुपात में मिलाएंगे तो ही पानी का निर्माण होगा। ठीक है, क्योंकि पानी एक यौगिक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि निश्चित होता है उनका अनुपात, क्या होता है, निश्चित, 1:8 के अनुपात में मिलाओगे तो ही पानी बनेगा। उसी प्रकार यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आप कहीं से भी प्राप्त कर लो, जैसे CaCO3 गर्म किया CaO+CO2, इसके अलावा C+O2 कोयले को गर्म किया CO2 बनी, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर कितने तरीके से, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, यहाँ भी बनी, यहाँ भी बनी, अलग अलग तरीके से भले आप कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न कीजिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है, 3:8, ठीक है, 12:32, ठीक है, तो ये हमेशा अनुपात 3:8 इसका फिक्स रहता है। ठीक है, 3:8 से कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस प्रकार इस नियम में जो भी यौगिक होते हैं उनका अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है, निश्चित होता है, वो स्थिर होता है, निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं, डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करते थे, एक सरल अनुपात होता है। देखिए, माना कि हमने दो तत्व ले लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों तत्व मिलाकर एक क्या बनाते हैं आपका, H2O वाटर, जिसके अंदर इनका अनुपात होता है 1:8, ठीक है। उसी प्रकार ये दो तत्व मिलकर एक और यौगिक बनाते हैं जिसको बोला जाता है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इनका अनुपात होता है 1:16, ठीक है, तो एक की मात्रा निश्चित कर दी और दूसरे के अंदर ये क्या किया, जो दूसरा तत्व है एक के निश्चित मात्रा रहती है और दूसरे का क्या रहता है, एक सरल अनुपात रहता है, गुणित अनुपात, गुणित 8:16, ठीक है, 8:16। इस प्रकार से ये नियम होता है। उसके प्रकार और भी बनते हैं तत्व, जैसे अपन कार्बन और ऑक्सीजन को ले लो, तो एक तो बनाता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनती है CO2। इसी प्रकार बहुत सारे तत्व होते हैं जो अलग अलग वही मिलकर बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिसमें एक की मात्रा निश्चित होती है और दूसरा जो है वो गुणित अनुपात करता है, एक सरल गुणित अनुपात करता है और यौगिक बनाता है। ठीक है, ये डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम हुआ। उसके बाद हम देखते हैं रिचर का व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यदि हम रिचर का व्युत्क्रम अनुपात का नियम देखें तो क्या होता है, यदि कोई दो तत्व तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो करते हो तो इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस मात्रा में संयोग करते हैं और उनमें जो अनुपात होता है
उसे अनुपात में भी संयोग करते हैं। अतः अनुपातों के बीच एक सरल अनुपात होता है। देखिए इसको आप उदाहरण से देखते हैं, इसको उदाहरण से देखें, यदि कोई दो तत्व तीसरे तत्व से संयोग करते हैं वो तो इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस मात्रा में संयोग करते हैं। मान लो दो तत्व आपके, ये हमने एक किया सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो तत्व, तीसरे तत्व, तीसरा जो तत्व है वो कौन सा है आपका, ये हाइड्रोजन ले लिया हमने, ठीक है, ये हाइड्रोजन ले लिया तीसरा तत्व, ये दो तत्व ले लिए, तीसरा तत्व हमने हाइड्रोजन लिया। क्या बोल रहे हैं, यदि कोई दो तत्व तीसरे तत्व से संयोग करते हो तो इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से दोनों तत्व, ठीक है, निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस मात्रा में संयोग करते हैं और उनमें जो अनुपात होता है उसे अनुपात में भी संयोग करते हैं। मतलब ये इससे संयोग करके ये बना लिया H2S और इसने संयोग करके इससे बना लिया H2O, ठीक है। अब जो जिस अनुपात में संयोग कर रहे हैं दूसरे से, क्या अनुपात है यहाँ पर, दो अनुपात एक ही इनका, ठीक है, दो अनुपात एक, और इसका भी अनुपात क्या है, दो अनुपात एक, ठीक है। ये किस अनुपात में संयोग कर रहे हैं, दो अनुपात एक में, ये भी दो अनुपात एक में संयोग कर रहा है, ठीक है, और उनमें जो अनुपात होता है उसका अनुपात में भी संयोग करते, और ये जो तत्व जो अनुपात होता है इन दो तत्वों का, ठीक है, ये जो तत्वों का जो अनुपात होता है वही अनुपात उनके संयोग करने का भी अनुपात होता है। अब इन दोनों का अनुपात देखते हैं हम, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर यहाँ पर कितना होता है आपको पता है, यहाँ पर सल्फर 32 और यहाँ पर ऑक्सीजन 16 और 32 का क्या होगा, 32 और 16 का दो अनुपात एक, ठीक, तो इन दोनों का अनुपात भी वही होगा जिस अनुपात से ये संयोग करते, ये नियम होता है, कौन सा, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम गेलुशाक का गैस आयतन संबंधी नियम। अगला है कि गेलुशाक का गैस आयतन संबंधी नियम, ठीक है, इस नियम को 1808 में गेलुशाक ने दिया था। उन्होंने गैसीय प्रावस्था में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं का अध्ययन किया और इस नियम को प्रतिपादित किया, ठीक है। इनके नियम के अनुसार तापक्रम तथा दाब की समान परिस्थितियों में जब गैस आपस में क्रिया करती है तो इनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस अवस्था में है तो उनके आयतन में भी सरल अनुपात होता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, उदाहरण माना कि H2 हाइड्रोजन व नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर अमोनिया बनाते हैं। इस प्रकार से ये H2 + H2NH3, ठीक है, ये बना लिया अमोनिया, ठीक है। यहाँ पर अनुपात देखें हम, इसका अनुपात 1:3:2, ठीक है, ये इसका अनुपात हुआ एक निश्चित सरल अनुपात। उसी प्रकार CO कार्बन ऑक्साइड व O2 के द्वारा CO2 जो बनती है उसको देख लेते हैं हम, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 क्या बनाया, CO2, ठीक है, यहाँ पर आपने किया 2 2 2, ठीक है, दो कार्बन 4 4, ठीक है। यहाँ पर भी इसका अनुपात देखिए 2:1:2, ठीक है, ये भी एक सरल अनुपात है और ये भी एक सरल अनुपात है, ठीक है, इसमें होती है सरल अनुपात होता है, क्या होता है, सरल अनुपात, ठीक है, उनके आयतन में भी सरल अनुपात होता है, दोनों में यहाँ सरल अनुपात, यहाँ भी सरल अनुपात। इस प्रकार से आज हमारे रासायनिक संयोजन के पांचवें नियम के हमने पढ़ लिया है, उदाहरण सहित पढ़ा है इनको, ठीक है। जो आगे का इस अध्याय का बच गया है पोर्शन उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।